आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आयकर विभाग का शिकंजा लालू परिवार पर लगातार कसता जा रहा है। कथित बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने लालू यादव के परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को लालू की बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की दिल्ली स्थित कुछ संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया। जब्त की गई संपत्तियों में मीसा के पति शैलेश कुमार की प्रॉपर्टी भी शामिल है। आपको बता दें कि अटैच्ड संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही किराए पर दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मीसा, तेजस्वी और शैलेश पर यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर की गई है। इससे पहले आयकर विभाग की ओर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद राज्यसभा सांसद मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार विभाग के अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद आईटी विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार की संपत्ति को लेकर हाल के दिनों में लगातार कई खुलासे किए हैं। इसके बाद आयकर विभाग ने दिल्ली और NCR में लालू यादव से जुड़े लोगों के करीब 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। हालांकि RJD सुप्रीमो ने छापेमारी की खबरों को गलत करार दिया था। तो आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति मामले में कार्रवाई करते हुए तेजस्वी यादव और मीसा भारती की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। वह इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेसी नेता शकील अहमद ने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। देखते रहिए DB Live।